में अपनी अम्मी को दुरूद पढ़ते हुए दम जाता हुआ देखते हुए अपनी आंखों से उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखते हुए उनका ख्वाब जो एक रात पहले उन्होंने सुनाया वो सुनते और जानते हुए कि किस तरह वो रात में बैठ के गई है और कहाँ फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी मकाम आया पढ़ा जा रहा ये सब कुछ जानते हुए भी दिल को करार नहीं आ रहा गुस्सा आ रहा था और मुझे ये था कि अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं करना ये पूरी तहरीर ये सारी आफिया मूवमेंट इसका क्या हासिल मैं अपनी माँ को फेल कर दिया मैंने मैं उनकी बेटी ना ला सकी उनकी झोली में और वो दुनिया से टूट सकी मुझे इस चीज़ का करार नहीं आ रहा था मैंने कहा अब क्या फ़ायदा क्या ज़रूरत कितने लोगों ने मुझसे कहा कोई स्टेटमेंट दें कुछ करें मैं नहीं दे सकी कि मैं क्या करूँ मैं क्यों आफिया के लिए करूँ अब तो माचे थी गई फिर एहसास हुआ कि अगर मैं अम्मी के लिए मैं आफिया के लिए क्यों खड़ी हुई थी मैं किस लिए कर रही थी अगर मैं अपनी अम्मी के लिए कर रही थी तो वो एक बशर है और वो अपने खाले के हकीकी के पास चली गई है वो मर चुकी है और वो अब हमारे लिए नहीं है लेकिन मैं किस लिए कर रही थी मैं तो अल्लाह सुभानहु व तआला के लिए कर रही थी उससे अजर अजीम के लिए कर रही थी तो मेरा अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है उसको ना ऊंघ आती है ना वो किसी से बेखबर है उसकी जो मंशा उसकी जो मर्जी अम्मी को इस मौत के साथ अल्लाह ने उठाया शायद उनके दर्जात को अम्बिया सिद्दीकीन और सालिहीन में करने के लिए उठाया इससे मुझे तस्कीन हुई मैं सिर्फ आपसे शेयर करूंगी अम्मी के बिस्तर के पास से ये खत निकला जिसमें वालिद साहब का और अम्मी वालिद साहब के ही पहलू में उन्होंने अपनी कब्र लेके रखी हुई थी वहीं पे है उनकी मोहब्बत के चंद अशआर जब अब्बू हमारे वालिद के खुद हाथ के लिखे हुए हैं हैं तो बहुत सारे लेकिन मैं सिर्फ दो अशआर वो बहुत ही पोशीदा हालत में है लेकिन उन्होंने अम्मी की जुदाई में चंद शेर लिखे थे जब वो गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्दिश में ये सब शामों सहर तेरे लिए हैं गर्दिश में ये सब शामों सहर तेरे लिए हैं करता हूँ मैं तुझको ही तो करता हूँ मैं तुझको ही तो हर शामों सहर यार ए हुस्ने मुजस्सम मुझे तेरी ही पसंद है ए हुस्ने मुजस्सम मुझे तेरी ही पसंद है मैं याद तो करता नहीं आती है मगर याद ये तेरी याद ने मुझको मेरी हस्ती को याद दी है मेरा दिल लूट कर मुझे असीरी की सजा दी है मैं इसके साथ ये कहूँगी कि मेरी अम्मी कहाँ से कूच होकर मुझे असीरी की सजा दी है मुझे हिम्मत मेरे ही वाले साहब से अम्मी वाले साहब के पहलू में है और मेरी मुझे हिम्मत मेरे ही वालिद साहब की लिखी हुई एक नज़म जो मुझे चहलों के आज ही के दिन एक साहब ने पेश की एक रिटायर्ड उन्होंने कि जो हमारे वालिद साहब ने 11 सितंबर 1975 में योम दिफा पे लिखी और ये आजमाइश है जिसकी वजह से मैं आज खड़ी हो सकी हूँ और जिक्र और बात कर सकी हूँ मैं ये अशआर जिन्होंने मुझे तकबीयत दी है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जजा की आजमाइश थी सजा की आजमाइश है जजा की आजमाइश थी सजा की आजमाइश है नजर थी इंतहा पर इब्तिदा की आजमाइश है नजर थी इंतहा पर इब्तिदा की आजमाइश है उठे हैं हम कि नामों से वतन को जाविदा करते उठे हैं हम कि नामों से वतन को जाविदा करते कहाँ नामों से को ढूंढे बला की आजमाइश है ये दिल वाले नजर वाले कलम वाले हुनर वाले ये दीवाने हैं इनकी हर अदा की आजमाइश है वतन के सरफरोशों पर वतन के सर
सरफरोशों पर सितमकोशी की हद ये है, बदन के सरफरोशों पर सितमकोशी की हद ये है, जफा वालों में अब जोरे जफा की आजमाइश है, जफा वालों में अब जोरे जफा की आजमाइश है, जनाजे उठ रहे हैं अजमतें के दार के मरसू, मर्ज बढ़ता ही जाता है दवा की आजमाइश है। चलो कांटे ही भर ले अपने दामन में के वैसे भी, चलो कांटे ही भर ले अपने दामन में के वैसे भी, चमन में गुंचो गुल की सबा की आजमाइश है, पड़े हैं रूह पर सजदा अहले हक पहले दुआ कब से, पड़े हैं रूह पर सजदा अहले हक पहले दुआ कब से, खुदा की मुमलिकत में क्या खुदा की आजमाइश है, खुदा की मुमलिकत में क्या खुदा की आजमाइश है, इसने मुझे दोबारा खड़ा किया है और आज मैं तजदीद अहद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक आफिया की रिहाई ही नहीं, इंशाल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान को जिसका ख्वाब मेरे वालिद ने देखा था, जिसका ख्वाब मेरी वालदा ने देखा था, वो जिसका मेरी नानी ने जिसके लिए अपना सब कुछ एक नवाब की बीबी होते हुए अपना सब कुछ लुटाया था कि इस वतन में अब किसी बेटी की नामोज को कोई ना छेड़ सके, आज मैं तजदीद अहद करती हूँ और आप लोगों से भी मैं ये मांगती हूँ अहद आज कि क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप हमारे वतन को इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह क्या आप यकीन वापसी के लिए खड़े होंगे, या इस हुकूमत को इन सियासतदानों को इन लीडरों को इन अकाबिरों को जगाने निकलेंगे मेरे साथ, तो आज वादा कीजिए कि 23 तारीख को जब आफिया को 86 साल की सजा सुनाई गई थी, 23 सितंबर को एक कॉल पर मैं आप लोगों से तवक्को रख सकती हूँ, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, क्या वो इस अहद पे मेरा साथ देंगे, इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे और हम नहीं बैठेंगे जब तक आफिया नहीं आएगी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।